नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रूट्स एंड ट्रांसप्लांट क्लिनिक में। आज हमारे साथ हैं तोशन। काफ़ी यंग हैं, 27-28 साल के हैं अभी, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी हेयर लाइन थोड़ी रिसीड हो गई है, इफ यू कैन सी। तो ये चाहते हैं इनकी हेयर लाइन वापस जैसी पहले थी वैसे आ जाए, एंड डेफिनेटली हम इनकी हेयर लाइन पहले जैसी इनकी दे सकते हैं, बिकॉज यू नो ही हैज़ अ वेरी गुड डोनर एरिया। नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आई वुड से समवेयर यू नो 25 to 3000 के बीच में रिक्वायर्ड हैं। सिंगल डे का प्रोसीजर है, एंड इनके डोनर एरिया का जो ग्राफ्ट है मल्टीपल है, यू नो 2-3 फॉलिकल्स हैं, हर 2-3 हेयर हैं हर फॉलिकल्स में। तो बाद में जब इनका रिजल्ट आएगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, एंड ही इज़ यंग तो इनकी रिकवरी भी जल्दी होगी एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तोशन जी, आप मेरे पास हेयर ट्रांसप्लांट कराने आए हैं क्लिनिक में, आपकी हेयर लाइन थोड़ी पीछे रिसीड हो गई, पीछे चले गई है जी। तो आपका पर्टिकुलर कोई कंसर्न है कि जिसकी वजह से आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं? बिकॉज एज आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ आपका बॉल्डनेस हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रीज़न? सर अभी उम्र कम है, बहुत कम है, और हर चाहता है कि कम उम्र में अच्छा दिखे, और शादी भी नहीं हुआ सर अभी। अच्छा, इसलिए। चलिए, ये भी एक अच्छा रीज़न है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का, है ना। और कोई पर्टिकुलर रीज़न कि आप मेरे पास आए हेयर ट्रांसप्लांट करवाने रूट्स में? सर आपका वीडियो भी देखा था मैं और अच्छा भी लगा, तो सोचा कि आपसे करवाओ। चलिए ठीक है, तो यू नो अभी के लिए इतना ही, एंड शाम को जब हम इनका ट्रांसप्लांट कंप्लीट कर लेंगे तो ट्रांसप्लांट के बाद कैसा इनका लुक आता है वो भी आपको शेयर करेंगे। फाइनली आपका ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया, हमने लगभग 2900 ग्राफ्ट्स लगाए हैं इनको, है ना। बहुत छोटे से एरिया में हैवी डेंसिटी दी है, काफ़ी हैवी डेंसिटी है। प्लस इनके साथ एक एडिशनल एडवांटेज ये मिला कि हमको 2, 3, 4 वाले फॉलिकल्स काफ़ी सारे मिले, यानी कि एक जड़ से 3-4 बाल भी आएंगे, तो काफ़ी हैवी इनका रिजल्ट आएगा। प्लस ही इज़ यंग, तो इनका रिजल्ट अच्छा आएगा और जल्दी आएगा। आप कंफर्टेबल थे प्रोसीजर के दौरान? पूरा कंफर्टेबल सर। आपको पेन वेन कुछ नहीं? कुछ दिक्कत? कुछ दिक्कत? थोड़ा सा हल्का सा, जब थोड़ा सा इंजेक्शन लगा रहे थे तब ओके। और बाकी सब में आप कंफर्टेबल थे? कंफर्टेबल पूरा। आपको स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा? स्टाफ का भी बढ़िया है, कुछ दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। अच्छा, और नॉर्मली जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करने से डरते हैं, उनको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि दर्द बहुत होता है और प्रोसीजर के दौरान बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिनको भी अगर लग रहा है कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ या सोच रहे हैं, उसको ना करा लेना चाहिए। थोड़ा सा दर्द होता है सर, और लाइफ टाइम के लिए अपना समझिए वरदान है। जी, आपको जस्ट पेन होगा जब इंजेक्शन लगाया जाएगा सुन करने का, और उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा लाइफ टाइम आपकी हेयर लाइन या जहाँ भी आप ट्रांसप्लांट कराएंगे, आप उसको अच्छे से मेंटेन करते तो बाल आपके लाइफ टाइम रहेंगे। यानी एक जस्ट यू नो थोड़े से डिस्कम्फर्ट के साथ आपको एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हैं आपके बाल, है ना। आपका लुक्स पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा जब आपका रिजल्ट फाइनली 6-8 महीने बाद आएगा। तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट और लाइफ टाइम के लिए आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से मैं भी आपको मोटिवेट करूंगा एज अ सर्जन कि अगर आपको हेयर लाइन आपकी पीछे चले गई या बॉल्डनेस का प्रॉब्लम है तो ट्रांसप्लांट करवाइए, बिकॉज इससे अच्छा बालों का कोई इलाज नहीं है। और आपके सामने पेशेंट हैं जिन्होंने अभी ट्रांसप्लांट ख़त्म करवाया अपना, तो इनसे अच्छा टेस्टिमनी या इनसे अच्छा कोई आपको बता नहीं सकता। जस्ट इनका ट्रांसप्लांट कम्प्लीट हुआ है, ये रायपुर से 250-250 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आए हैं, एंड ये इतने कम्फर्टेबल है कि अभी खुद ड्राइव करके चले भी जाएँ। यानी कि कोई भी आपको डिस्कम्फर्ट, पेन या ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको रात को अस्पताल में रुकना पड़ेगा या कहीं रुकना पड़ेगा, आप ट्रांसप्लांट करवा के सेम डे ट्रैवल करके वापस भी जा सकते हैं। थैंक यू रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक।